चलीना कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष के बारे में। बात करेंगे जो पिक्चर है दोस्तों, उसमें बड़ी खतरनाक और वाहियात तरह के डायलॉग का प्रस्तुत किया गया है। जो एक कैरेक्टर होता है, राम का कैरेक्टर है या कोई हनुमान जी का कैरेक्टर है, जो उस पर शूट करना चाहिए उस टाइप का इनमें डायलॉग नहीं दिखा गया है बिल्कुल भी। और मूवी तो आपने देख ली होगी, पर किसी ने नहीं देखी तो मैं आपको कुछ एक झलक इसकी दिखाता हूँ कि डायलॉग को किस तरह प्रस्तुत किया गया है दर्शकों के सामने। ये कह सकते हैं कि ये मूवी है जो ये हमारी ना होते हुए कि किसी अन्य धर्म की मूवी लग रही है हमें, या इसका प्रोपोगेंडा कुछ अलग हो सकता है। राम की रामायण को दिखाने का नजरिया बिल्कुल ही वाहियात तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस पिक्चर में। अगर आप रामानंद सागर की रामायण देखोगे तो दोस्तों उसमें आपको साफ नजर आएगा, आप चाहे उसे 100 बार देख लो आपका फिर भी मन नहीं भरेगा, आप बार बार उसे देखने की कोशिश करोगे, तभी तो उसने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज पाए हैं और वो आज भी हिट है इस मूवी को देखते हुए। तो दोस्तों आइए मैं आपको छोटा सा झलक दिखाता हूँ एक डायलॉग की, कि किस तरह इसने इसमें डायलॉग बोला गया है। चलीना अभी तो और चलेगी, बेचारा हनुमान जी का डायलॉग जिसकी कैसा है? चलती है ये सूट करता है हनुमान जी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप। बहुत ही खतरनाक तरीके से, एकदम ही अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है इस मूवी को। और हनुमान जी के कैरेक्टर पर जो डायलॉग शूट करता है वही रखना चाहिए, ना कि अपने मन में जो आ रहा है वो रखना चाहिए। अबे तुम ही एक इंसान हो और इंसान जितना सोचता है उतना ही कर सकते हो, तुम एक भगवान को इस तरह प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब ये टी सीरीज वाले भी यहाँ क्या भांग पी के बैठे थे, टी सीरीज वालों ने इस मूवी को बनाया है, फंडिंग की है इसकी। गुलशन कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें हमारे धर्म के बारे में बिल्कुल बहुत कुछ पता था, क्या उनके बेटे को इस बारे में नहीं पता कि हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं है, क्या क्या डालना है इस मूवी में। ये ऐसे ऐसे डायलॉग हमारे जो बच्चे देखेंगे, युवा देखेंगे हम, तो ऐसे ऐसे डायलॉग सीखेंगे हम। हर मूवी का फर्क पड़ता है देश पर, हर मूवी का फर्क पड़ता है इंसान की मेंटेलिटी पर। कोई भी मूवी अगर आप देखोगे उसका असर आपके दिमाग में रहेगा कम से कम 3-4 घंटे तक। क्या इन डायलॉगों को दिखाओगे आप? इतनी भजन और चालीसा सबसे अच्छी चली है टी सीरीज की, फिर भी हनुमान जी को ऐसा इस तरह से डायलॉग दिए गए। और भी बहुत से डायलॉग हैं जो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपको पता ही चल जाएंगे धीरे धीरे ये सब डायलॉग कैसे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस एजेंडे को पूरा फैलाएं, क्योंकि ये हमारे धर्म पे बहुत ही कटास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, धन्यवाद।